I'm gonna
जोड़ने परमात्मा से प्रार्थना विनती करने की है। प्रभु पिता परमेश्वर कृपालु भगवंत जी ने प्रदाय करे परमात्मा
आज आपकी कृपा बढ़ती आशीर्वाद मिला धाम कर्म में किए हे परमात्म बार बार प्रार्थना करते हैं कि आपकी अपार कृपा हम पर बरसाए परमात्म। और आज ऐसे समय में जबकि हम जानते हैं कई लोग यहाँ पर आनंदित ले रहे हैं और कई परिवार यहाँ पर हम जानते हैं कि दुखित मृत्यु के जैसे यहाँ पर कई परमात्मा आज बारंबार यही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा आप अपनी अपार कृपा उनके दर्शना जो दुखित परिवार को हर लेना परमात्मा आपको स्वास्थ्य लाभ कहीं कर रहा हो परमात्मा बारम्बार प्रार्थना करते हैं कि उनको स्वास्थ्य जो है अच्छा हो जाए और कोई भी कहीं पर दुखी हो परमात्मा उसका दुखों का निवारण करना शक्ति देना भक्ति देना दे देना ताकि वो अपने कर्तव्य को नेकी से पालन करके धर्म के रास्ते पर चले अपने त्याग को सुनाए और परमात्मन ऐसे शुभ मंगल कार्य जिनके भी ऊपर परमात्मा आज यही प्रार्थना करते हैं कि हमको मिला हो परमात्मा ऐसे प्राणी पर हमारे दान करते निछावर करते हैं कि परमात्मा आपके शरणागत में हमारी छोटी पूजा भेंट को प्रार्थना को स्वीकार कर लेना। बोलिए सर रामचंद्र भगवान दूरी करो दुख दर्द सभी दोस्तों साथियों पूज्य पंडित जी मल्लिक की ओर से सर्वप्रथम तो आपको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और जिस दिन से ये रामनवमी के आयोजन में हम सभी लगे थे उसी दिन से आपका सहयोग अभी तक चलता आ रहा है और मेरे आपसे तो दोस्ती बहुत पुरानी है और इसके बाद में जितने भी मल्लिक के सदस्यगण आपको बहुत आदर सम्मान मान देते हैं बस ऊपर वाला से यही विनती करते हैं कि आपको भी आशीर्वाद दें आपके कद में माँ सरस्वती हमेशा विराजमान रहे। और इसी तरह श्री सनातन धर्म ज्योति रामायण भजन मंडली को आप सहयोग देते चले। एक बार फिर दोस्तों साथियों आप सभी को धन्यवाद है। आज हमारे प्रधान भैया एलपी दयाल सनेश सिंह भौजी बैठ आज आई से और भैया अरुण उनके परिवार की ओर से आप सभी के लिए प्रसाद मेवा मिष्ठान भोजन मैं कैसे ना भूलूं। आज भोजन वाली बनाने वाली आज हमारे समझ में आई है तो उनको
हम सभी मिलकर हृदय से धन्यवाद देते हैं। बहुत ही सुंदर भोजन आपसे बनकर आता है। श्रीमान सनी सिंह रोमो के अर्धांगनी जो मंडली के हमारे भोजी है, इन्हीं के कहा से पंडित जी जब ज्योतिरावण भजी पार मंडली का शुरुआत हुआ था तो भोजी के घर से ही शुरुआत हुआ था और आज भी इसी तरह चलता रहे। और आप सभी के लिए एक बार फिर भोजन प्रबंध है, आप सभी भोजन करके जाइए। कीर्तन भजन करने वाले आप आगे आर बढ़कर आ सकते हैं। मेरे पास एक छोटी सी सूचना आया है, मंडली के छोटे बच्चे बहुत दूर विदेश जा रहा है। इन 2023 वी वर्क एक्सट्रीमली हार्ड टू मेक इट टू द न्यूजीलैंड नेशनल्स फॉर द फर्स्ट लेगो लीग। वी स्पेंड मंथ्स वर्किंग टुगेदर टू डिजाइन आवर रोबोट एंड आवर इनोवेशन प्रोजेक्ट्स। वी टुक इट टू द नेशनल स्टेज and were absolutely honored to receive the opportunity to attend the Western Edge Open Competition in Long Beach, California in May 2024. ये भैया रितेश के पुत्र रायन को आप सभी जानते हैं और वो न्यूजीलैंड के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, बस वो आप सभी से सहयोग मांग रहे हैं। अगर आपसे कुछ भी बन सकता है उस बच्चे के प्रति कुछ डोनेशंस, तो भैया रितेश है या मंडली के प्रधान है, पंडित जी है, कोई भी है, उसको आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के लिए टिकट हम बेचते हैं, क्यों बेचते हैं, धन आती है तो इसी पूजन में इसी में हम इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी अगर किसी प्रकार के सहयोग देना चाहे, भोजन में कुछ सौदा पानी अगर देना चाहे, इसका नहीं, प्रधान जी है या पंडित जी है, भैया लोगों भी है, कोई तरह के मदद, आप सभी का ये घर है, आप सभी का मंदिर है, आप चाहे जिस तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं। अंत में पंडित से अभी तक प्रचार करने में, हमसे सेवा करने में किसी प्रकार की त्रुटियां रह गया हो तो आप सभी से क्षमा याचना है। एक बार फिर मिलेंगे कल शाम को। जय श्री सीताराम।